हो गया तो मतलब मचा जाएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि सबके फैन, सबको पता है फेनेटिक के फैन फॉलोइंग्स बहुत ज्यादा है, सोल के भी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। अरे ये दोनों स्क्वाडकर का फाइट होता है ना, लाइक इट्स लाइक एक क्या बोलूं क्या ही बोलूं, मतलब एक बहुत बड़ा फाइट, मतलब हो गया, मतलब चैट पे स्पैम हो गया। जवाब दिया उनको। और यहाँ पे देखिए क्लोक वहां पे एक बगी के पास, एक स्मोक वॉल है उनके सामने, तो अब इनके लिए भागने के भागना ही सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा। बट क्या सोल इनको यहाँ से भागने देगी? रॉर फनाटिक की तरफ बढ़ते हैं। रॉनक स्काउट यहाँ पे बाहर निकलते हुए अपने इस कवर से टीम्स की तरफ अग्रेस करने की थोड़ी कोशिश। फिनेटिक ऑलरेडी सिक्स किल्स निकाल चुका है, चारों का चारों बंदे बचे। परितोष ऊपर क्लोज में गया, परितोष ऊपर नॉकआउट हो सकते हैं, अच्छा खासा प्रोन किया राइट टाइम पे। आईएनडी भी पुश कर रहा है, गॉड लाइक विंडो पे स्पॉट हो गए थे, बट वाइपर अभी भी पीछे बस हील करे हुए, जोन आ चुका है, वाइपर बहुत डैमेज लेते हैं, कब तक ये सस्टेन कर पाएंगे? इनसेन तीन बंदे बस उनका इंतजार कर रहे हैं वहां पे कि कब वाइपर वहां से बाहर निकले और वाइपर को इस गेम से बाहर करके उनका किल सिक्योर कर। मेरे को लगता है वाइपर का पोजीशन उन लोगों को पता नहीं है, एंड वही पता नहीं था वाइपर यहां पर प्ले जोन में ना होगा, उसका किल तो सामने वाले टीम को नहीं मिलेगा, लेकिन वो डैमेज जो देके दिया है क्लच गॉड बहुत ही प्यारा पोजीशन में, अच्छा खासा बंदा जोन के अंदर, बहुत ही प्यारा दलजीत नहीं है ओएस को नॉक करते हुए, एंड ओएस का पूरा किल कंफर्म कर लेगा या गॉड लाइक का टीम वो किल चोरी करेगा, क्योंकि गॉड लाइक ने अच्छे खासा किल चोरी किया है इस मैच में, क्योंकि किल चोरी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कंपिटेटिव लेवल पे। हाँ, किल स्टील्स थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि किल्स के लिए भी आपको एक पॉइंट मिलता है, और अगर आप पोजीशन थोड़ा खराब करते हैं अपने आप को तो वो फायदा हो जाता है। और यहाँ पे जैसा बात कर रहे थे कि गॉड लाइक ने वो किल कंफर्म अपनी टीम के लिए कर लिया, ओएस को नॉक डाउन किसी और ने किया, पर गॉड लाइक वहां पे मौजूद थे, फायदा उठाया मौके का, रिच का कवर था। अब क्लच गॉड बिल्कुल बीच में अकेले बचे अपनी टीम के लिए और ये सारे प्लेयर्स उनके ऊपर क्लोज डाउन करते हैं। द डूड वहां पे जाते हैं, एक नेड आता है, ट्रांस वहां पे नॉकडाउन हो जाते हैं, एंटो उनको नॉकडाउन करते हैं और ट्रांस, बट अभी स्मोक का कवर है, ओमेगा यहां पे पुश करते हुए और क्लच गॉड इसका काफी फायदा, क्लच गॉड सिचुएशन में फायदा उठा रहा है, अकेले दो बंदे को नॉक, एक पूरा नॉक फिनिश कर चुका है इस पोजीशन में, बहुत ही प्यारा क्लच कर रहे हैं वहां पर। अगर वहां पर पूरा इंसान का स्क्वाड क्लच हो जाता है ना तो उसका नाम सही में क्लच गॉड ही होना चाहिए। पीएमआईटी में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, लेकिन यहां पर भी उसने उतना लेवल का परफॉर्मेंस दिखाया नहीं, लेकिन अभी वो टाइम है दिखाने का। दलजीत यहां पर स्प्रे करते हुए लेजेंड गॉड लाइक के एंटो के ऊपर, एंटो यहां पर नॉक आउट हो सकता है, बहुत ही ओपन से रोटेट मार रहा है, दलजीत के लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस, एंड नॉक पिकअप दक्ष भी यहां पर क्लियर आउट हो सकता है, एंड आई थिंक यहां पर दक्ष डाउन होगा, लेकिन यहां पर आई थिंक आई एंडी का टीम उधर उल्टा कवर फायर में एलिमिनेट हो चुका है, इसके साथ एक गॉड टीम इधर एलिमिनेट, गॉड लाइक Fnatic, Soul and Insane बचे। बस तीन टीम्स, Insane, Soul और Fnatic, और जिसकी हम बात करते हैं Soul versus Fnatic का सिचुएशन वो आ चुकी है, बट इट्स नॉट द वन वी वांटेड, इट इज अ 1v3। Fnatic के तीन प्लेयर्स अभी बाकी है, वहां पे क्लच गॉड के लिए बचे, KO पीछे से पुश करने की कोशिश, और यहाँ पे क्लच गॉड ने एक प्लेयर को नॉकडाउन कर दिया है Fnatic के, बट रिवाइव आ जाएगा क्योंकि टीममेट्स अभी भी मौजूद है। क्लच गॉड को बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, KO पीछे से पुश करके जोन के अंदर आ चुके हैं, उनकी हेल्थ काफी कम है, कवर लेके बहुत पेशेंटली प्ले करने की कोशिश करनी पड़ेगी उन्हें। 3v1, ये बहुत अमेजिंग क्लच होगा अगर किसी तरह कर लेते हैं, बट KO यहाँ पे पुश करने की कोशिश क्लच गॉड के अंदर, क्लच गॉड अभी भी उस शेड के अंदर बस बैठे हुए, हील तो कर चुके हैं, हेल्थ अभी पूरी आ चुकी है, KO को यहाँ पे बहुत संभल के रहना पड़ेगा। और यहाँ पे पीछे से TPP लेते हैं, एक नेड पॉप होता है यहाँ पे क्लच गॉड की तरफ, और यहाँ पे बाहर पुश करके क्लच गॉड KO को बाहर निकालते हुए, अब बस तीन और प्लेयर से डील करना है इनको, Fnatic की पूरा स्क्वाड एक साथ पुश करने को, स्काउट यहाँ पे फायर करते हैं और Fnatic टेक द विन। ये मैच Fnatic के पास एडवांटेज था उस आखिरी सिचुएशन में 1v3, एक और प्लेयर लूज कर दिया, बट स्काउट और पारितोष एक आना पड़ता, एंड लेकिन वहां पर स्काउट का जो रिफ्लेक्स था, क्लच गॉड ने स्प्रे किया था, स्काउट का रिफ्लेक्स में जो लेट के स्प्रे ट्रांसफर किया ना, उसके कारण ही यहाँ पर स्काउट बच गया, उसके कारण ही चिकन डिनर, नहीं तो बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला था। आई मीन स्काउट इंडिया के बेस्ट प्लेयर माने जाते हैं और किसी वजह से ही माने जाते हैं, और आज दिखा दिया किस वजह से, बट क्लच गॉड जैसे हम बात कर रहे थे बार बार की उनकी जो पोजिशनिंग थी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी, उसकी वजह से उनको काफी एडवांटेज हुआ कि कितनी देर तक वो गेम के अंदर जा पाए, और वो बहुत